बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। इस वक्त लाहौर के अलमारूफ माल रोड पर मैं मौजूद हूं। सबसे पहले सिचुएशन आपको दिखाती हूं। पीछे ट्रैफिक का सिग्नल ऑफ है, रेड सिग्नल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पैदल चलने वाले सड़क क्रॉस कर रहे हैं और बेहंगम सी सूरत हाल है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी को खड़ा करना रेड सिग्नल पर उसकी मुमानत है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि रेड सिग्नल है और सब ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या ऊपर लगे कैमरे इन सब गाड़ियों का ई चालान करेंगे या नहीं? और ज़ीब्रा क्रॉसिंग के लिए यहाँ से जिन्होंने गुजरना होगा वो कहाँ से गुजरेंगे? तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जरा ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर बात करेंगे, नए आने वाले कवानीन पर बात करेंगे और ये आपको बताएंगे कि अगले महीने की पहली तारीख से लाहौर शहर में ट्रैफिक के क्या क्या कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। लेकिन हम आगाही के ऊपर भी बात करेंगे कि शहरियों में ट्रैफिक कानून को लेकर कितनी आगाही है। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कुछ कवानीन मुतारिफ करवाने का जो इंदिया है वो दिया गया है। पहली तारीख से अगर आप मोटरसाइकिल पर दो लोग भी बैठ रहे हैं तो दोनों लोगों के लिए हेलमेट की पासदारी करना जरूरी करार दे दिया जाएगा। यानी ड्राइवर यानी राइडर, जो मोटरसाइकिल का राइडर है वो भी हेलमेट पहनेगा और उसके पीछे अगर कोई बुजुर्ग है, नौजवान है या कोई खातून है वो हेलमेट जरूर पहनेगी। इसके अलावा अगर हेलमेट आप पहन रहे हैं तो साइड मिरर होना बहुत जरूरी है। तो मोटरसाइकिल के साइड मिरर जो है उनका भी इतलाक आने वाले दिनों में लाजमी हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको तमाम कवानीन से आगाह करेंगे क्योंकि शहरियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि होने क्या जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में तफसीलन हम बात करने जा रहे हैं कि कवानीन के हवाले से, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से होने क्या जा रहा है। इससे कबल प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसके ऊपर हमने एक इशू हाईलाइट किया था, जिसके मुताबिक हमने ये इशू हाईलाइट किया कि हेलमेट की कीमतें मार्केट में आसमानों से बातें कर रही हैं जब से हेलमेट के इतलाक की पाबंदी लगी है। तो इसके ऊपर नोटिस भी लिया गया और सीटीओ की जानिब से शहर लाहौर में बिकने वाले तमाम हेलमेट्स की कीमतों को काबू में किया गया और हेलमेट की कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई। आइए हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर शहर में ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उसके ऊपर क्या क्या तब्दीली की जाएगी। अच्छा, अब एक और सिग्नल रेड हो चुका है, यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में है। आपसे बात करना हम शुरू करेंगे अगर आपकी इजाजत हो। हेलमेट का इतलाक तो जो राइडर है उसके ऊपर हुआ था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा, इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो आगे बैठता है वो नहीं हेलमेट पहनेगा, जो पीछे बैठेगा वो कैसे पहनेगा? एक तो हेलमेट है वो इतने महंगे हो चुके हुए हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि जी हेलमेट पहने पिछला कैसे पहनेगा? ठीक है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग कर रहा है, सेफ्टी है ना, उसकी हिफाजत है, अगर पहन लेगा तो महफूज रहेगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है मोहतरमा। देखे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो है ना अपना हेलमेट जो पहने ना, ठीक है, वो पहने, पिछला जो बैठा है वो क्यों पहनेगा? ठीक है, क्यों पहनेगा? चले, ये आपकी सोच है, आगे भी हम बढ़ते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुजाहिद शेख साहब, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, प्रोग्राम में आपको शामदीद कहते हैं। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, अगर मैंने सड़क पार करनी है तो मेरा हक तो सबने मार लिया। बिल्कुल बढ़िया, ये आप देखें कि ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से पीछे गाड़ियाँ और मोटर बाइक को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो सिग्नल है वो ऑफ है और मैनुअल तरीके से जो ट्रैफिक वार्डन है वो रोक रहे हैं, लेकिन जब वो रोकते हैं तो अचानक वो इस जो गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों की लंबी लाइनें हैं उनको रोकने के लिए आते हैं और वो मोटर बाइक और गाड़ी वाला जहाँ पर होता है वहीं पर वो गाड़ी स्टॉप कर देता है क्योंकि सिग्नल नहीं चल रहे हैं। तो यकीनन जो दूसरी बात यह है कि जो आपने भी एक सवाल किया कि हेलमेट दोनों के लोगों के लिए, मोटर बाइक वाले जो पीछे बैठे होगा उसके लिए भी ज़रूरी होगा, तो इस पर भी अमल दरामद मुकम्मल तौर पर जो आगे चलाने वाले हैं उन पर नहीं हो सका। माल रोड पर आपको देख लें कि बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने हेलमेट पहना होगा, लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से दूसरी सड़कों पे जाते हैं वो चलाने वाले ने भी नहीं पहना होता, जिस तरह से यहाँ से भी कुछ लोग गुजरे हैं, बहुत से राइडर्स हैं उन्होंने नहीं पहना। एक शहरी हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जरा हेलमेट उतारिएगा ताकि आपकी आवाज़
अब ये कहा जा रहा है कि हेलमेट पहनना राइडर के लिए भी, यानी आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं आपके लिए भी लाजिम है। अगर आप पीछे अपनी बेगम को, बहन को, बेटी को बिठाते हैं या अपने भाई को या वालिद को बिठाते हैं तो वो भी हेलमेट पहनेंगे। हाँ जी, वो कानून का एहतराम तो सब पे लाजिम है ना जी, उससे इतना सेफ्टी होगी, सेफ्टी मेजर्स होंगे, हादसात में बड़ी कमी होगी। ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि इससे जो है ना हादसात नहीं होंगे, लोगों की अमवात में कमी होगी। बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का आपने सबूत दिया है। हेलमेट जो है अब राइडर भी पहनेगा जो आगे मोटरसाइकिल चला रहा है और पीछे वाले भी पहनेंगे। बहुत रिस्पॉन्सिबल के पीछे वाला बैठा है, सपोज मुझसे कोई लिफ्ट लेना चाह रहा है तो कैसी है, मैं हाथ में लेके आया हेलमेट, वो पहले लेके आएगा। ये भी है पॉइंट है। है जी, तो इसका मतलब कि जो उनको इंसेंटिव थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जान तो सबकी कीमती है, इससे भी ज्यादा कीमती थी पहले जान कीमती नहीं थी हर बंदे, लेकिन इतना भी नहीं। मैं समझता हूँ कि हेलमेट के शोर में इंसान को सुनाई भी नहीं देता। मैं हेलमेट उस वक्त पहनता था 80s के दौर में, मैं इसको हेलमेट नहीं यूज़ करता, मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ, सिर्फ मैं इसलिए कि हेलमेट ना मुझे पहनना पड़े। हेलमेट में सफोकेशन, जो लोग इतने ज़्यादा लिफ्ट लेके आते हैं तो उनको हेलमेट, उनको नहीं पहनना चाहिए उसकी, ये तो कम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हेलमेट उनके लिए है ना, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये मुजाहिद शेख साहब, खातून भी है वो कह रहे हैं कि हेलमेट वो खातून भी पहने, कैसे मुमकिन है कि वो एक बुरका पहना हो, बुरके के ऊपर वो हेलमेट पहन ले, एक अजीब सी लगी वो। चलिए ये तो मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया अंकल हमसे बात करने के लिए। अच्छा मुजाहिद शेख साहब, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ पर बहुत ही बाकायदगी से हेलमेट की पाबंदी की जाती है, ना सिर्फ राइडर बल्कि पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनता है, लेकिन हमारी सोसाइटी कुछ अलग से सोचती है, ये ऐसा क्यों है? देखें, जो हमारी सोसाइटी है वो इस तरह से अलग से सोचती है कि हमें आदत नहीं है, कई सालों से जो है बगैर हेलमेट के मोटरबाइक का इस्तेमाल जो लोग वो करते रहे हैं। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि हमने जो मोटरबाइक चलाने वाला है उस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया है, नहीं करवा सके। आप जो मेन चौराहा है माल रोड, वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है और ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो दिन रात जो है इस पर काम करना पड़ता है कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है उसे फौरी तौर पर पकड़ा जाए और उसका चलान किया जाए। लेकिन जो दूसरी शाहराएं हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माल रोड पर ही एक्सीडेंट होता है, दूसरी जगहों पर एक्सीडेंट भी होता है और दूसरी जगहों पर एक्सीडेंट होने से भी लोगों की जाने जाती हैं। अच्छा, जाने जाते हैं जो बच्चे होंगे, अस्सलाम वालेकुम, अब जो पीछे बैठेंगे वो भी हेलमेट इस्तेमाल करेंगे, इसको कैसा देखते हैं? गलत है, गलत कैसे? गलत है, अगला बंदा से बैठ के नहीं चला सकता, पीछे वाले ये कहते हैं श्रीलंका में ऐसा हुआ है, फिर श्रीलंका चले जाएं, ये पाकिस्तान की कोई पहचान नहीं है। अगर हम लोगों ने दूसरे ममालिक की रिसे करनी है तो फिर क्या करना है पाकिस्तान में? देखिए कॉपी करना नहीं, मेरी बात सुनो, हमें क्या फायदा है? हेलमेट को मिल रहा तकरीबन 100, आपकी जान जो है वो कीमती है, उसकी हिफाजत के लिए सुने, जान तो मेरी मुकर्रर, जान तो निकल, मेरी बात सुने, लाजमी आप बाइक पे जाएंगे तो हमारी जान निकल, मैं ज़रा कुरास कह रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे को नीचे गिरा दे, उसकी क्या हिफाजत करनी चाहिए ये बताए ना हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखे, जो पैदल जा रहे हैं उनकी क्या सिक्योरिटी आपके पास? उनको भी हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़े, जो पैदल जा रहे हैं, जो रक्षे वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, सिर्फ प्रवेश लाइन है अपना, सिर्फ हेलमेट बेचने के अंदर हर आवाम हर शहरी को परेशान किया। हमें क्या फायदा हो रहा है? चलो पता चले ठीक है भाई, हमें इस चीज का फायदा कि हमें हेलमेट बहुत सस्ता दे रहा है इमरान खान, ये दे रहा है हेलमेट सस्ता, इमरजेंसी में जा रहा हूँ ना लेके जाए हेलमेट तो ये रोक लेते हैं, चलाना जी अब इमरजेंसी देखे या चलान देखे। जिसको सांस की बीमारी है वो क्या करेगा? उसके लिए भी ऐसे कम बात करें ना, जो नहीं पहन सकता हम के ठीक है भी, इसको सांस की बीमारी है ये बंदा कर सकता है, सिर्फ हेलमेट बंदी लगानी है, वो कह रहे हैं बंदियां लगानी है, आगे वाला भी हेलमेट पहनेगा और पिछले वाला भी, तो ये बहुत ही गलत नजरिया है इनका। जो पैदल चलने वाले हैं सबसे लिए उनके लिए बेहतर तदाबीर अख्तियार की जाए, क्योंकि अल्लाह ना करे पीछे से गाड़ी कोई ओवरटेक करती है या स्पीड में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक स्पीड का निजाम ठीक नहीं हुआ। अच्छा साइड मिरर लगाएंगे, साइड मिरर भी कहा जा रहा है कि उसका भी अब पाबंदी लाजिम है। देखो जी ये मोटरसाइकिल चलाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, एक साइड मिरर लगाते हैं हेलमेट पहन के तो हम ना राइट टर्न ले सकते हैं ना लेफ्ट टर्न, शीशे लगाइए ना, साइड मिरर लगाइए, क्या कर रहे हैं शीशे, उसके बाद उसको कहेंगे तार लगाएंगे फिर वो कहेंगे चार पहिए लगाए बाइक को, ये तो जो ऐसा नहीं कहेंगे ना, तार नहीं लगाए आप, सब कुछ कहेंगे चलो ये हेलमेट चल पड़े हैं, अब इसका क्या मतलब है कि डबल हेलमेट करें, तीन बंदे बैठे हैं तीन हेलमेट करें, अगर आगे बच्चे बैठे फिर उनको भी हेलमेट बनाए, हम तो फिर हेलमेट लेके घर से निकले और हेलमेट लेके घर जाए। बात सुने अब हमारी एक मिनट, अच्छा ये कुछ ज्यादा इजहार करना चाह रहे हैं और आई लेट देम स्पीक, एक लाज मेरी बात सुने एक सेकंड, अगर हमारी जो बहन है शादी पर जाए वो हेलमेट पहन के जाएंगी,
अब हमारी जो माए बहने शादी पे जाती हैं तैयार होके, वो हेलमेट पहन के तैयार होके जाएंगी। आप मुझे बताएं, आप मीडिया वाले हैं, अगर दो बंदे हेलमेट पहने हैं, अल्लाह ना करे भाई किसी के पास कोई कैश है कोई कुछ है, वो हेलमेट के दौरान कोई वारदात कर देते हैं, कौन उसका जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है, कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या वहाँ हेलमेट पे नजर ही नहीं आ रहा, उन्हें आगे जाके मोटरसाइकिल वो फेंक देनी है हेलमेट वो पे, कौन पकड़ा जाएगा? आपका सिग्नल खुलने वाला है, खैरियत से जाइए। और मैं इनको ज्यादा से ज्यादा बात करने देना चाह रही थी क्योंकि बहुत से ये पॉइंट जो है वो रेस कर रहे थे। और मेन वाइल आप देख रहे हैं कि आगे कुछ सिग्नल भी यहाँ पे बंद है, आगे ट्रैफिक का मसला है, तो लोग यहाँ से ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए आ रहे हैं और फुटपाथ पेडेस्ट्रियन राइट उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं, और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करें। और यहाँ से लोग आप देख रहे हैं बाकायदा तौर पर, अगर कैमरामैन दिखाए तो कितने लोग ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से हमसे बात करना चाह रहे हैं, हम ट्रैफिक कानून के ऊपर बात कर रहे हैं, और ट्रैफिक कानून पर जाहिरी बात है जो हम लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं उनके भी कुछ हकूक हैं, हमारे लिए भी जगह होनी चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, हमें जगह नहीं मिलती। ये हमारा रास्ता है पैदल चलने वालों का, यहाँ पे बाइक्स आ रही हैं, तो ये सोच कौन तब्दील करेगा? सोच हमने खुद ही तब्दील करनी है, और किसने करनी है? अब ये आ रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, जेब सामने देखें पुलिस वाले, अब देख रहे सामने पुलिस वाले जा रहे हैं, सामने वो वार्डन वाले खड़े हैं, रोकने वाला कोई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमें मजबूरी के तौर पे चौक से गुजरना पड़ता है। वार्डन वाले की बिल्कुल साथ से जा रहा है, वो वार्डन वाले की बिल्कुल साथ से बाइक उतार के जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल साथ खड़े हैं आइडल बन के। और आप यहाँ से देखें तो पीछे से उस तरफ से भी काफी बाइक आ रही है, भी उतार रहे हैं, आप खुद देख सकते थे किस तरीके की हुई है, ये सारा का सारा देखें बहुत ही खराब निजाम बना हुआ है। चले जरा मैं आपको कैप्चर करती हूँ, हमें सड़क पार करके दिखाएं इसी सिचुएशन में कैसे करेंगे। अब नाज़रीन ये देखें, ये रेड सिग्नल है और ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने क्रॉस करना है, ये अब ये भी वायलेट करेंगे क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो ऑक्यूपाइड है पूरी तरीके से, और ये लोग जा रहे हैं इस तरह से ट्रैफिक की वायलेशन के लिए। अब देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी थी लेकिन इस तरीके से ये मजबूर हो गए सड़क पार करने में, तो अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। मुजाहिद शेख साहब, अब हम दो तीन पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक ये कि जो ख़वातीन हैं उनका कुछ लिबास इस तरह का है कि वो जो हेलमेट है वो सही तरह से नहीं पहन सकती या विलिंग नहीं है, मोस्टली लोगों का ये पॉइंट आया है, तो कैसे देखेंगे ख्वातीन का? अगर ख्वातीन ना पहने या घर में हेलमेट की तादाद में कमी है या किसी ने स्कूल से पिक किया है अपनी सिस्टर को या अपनी बेटी को, तो क्या वो घर से हेलमेट लेकर आएगा, कैरी करेगा? देखिए बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी हमारी बच्चियाँ होती हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या स्कूल से पिक किया जाता है, तो उसके बाद उन्हें ज़ाहिर यकीनन वो हेलमेट साथ तो नहीं ले जा सकती, लेकिन ये एक जिस तरह से रोज़ाना बच्चों को बच्चियों को लाने की जिम्मेदारी एक है, उसमें ये भी जिम्मेदारी का इजाफा हो जाएगा। देखिए जो ये फैसला कोर्ट की जानिब से किया गया है वो सिर्फ जान की हिफाजत है, मोटरसाइकिल में चाहे वो बड़ा बैठे या छोटा बैठे, खातून बैठे, जान की हिफाजत तो है, लेकिन आप फिर चालान भी कर रहे हैं, और फिर चालान करेंगे तो एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कि मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा था, इसको अभी मैंने स्कूल से पिक किया है, इसके पास हेलमेट नहीं था, ये तो एक्सक्यूज नहीं सुनेगा वार्डन। देखिए मतिया ये एक मुश्किल मरहला जरूर है, लेकिन देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आपने आप स्टेप होते हैं ना, स्टेजेस होती हैं, अभी आप पहली स्टेज को मुकम्मल नहीं कर पाए, और जो ट्रैफिक पुलिस है मुकम्मल तौर पर मेरी नज़दीक वो नाकाम है हेलमेट मुकम्मल तौर पर लोगों को पहनाने में। जब हम इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आ रहे थे तो हमने देखा कि पुलिस वाले बिलखसूस पुलिस वाले जो सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें सबसे पहले कानून का पास होना चाहिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप मुकम्मल तौर पर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है उसको पहले इसका पाबंद करें कि लोगों को आदत हो जाए, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर जाएं। और इसमें मुजाहिद साहब सिग्नल जो है वो रेड हो चुका है और कुछ बाइकर्स मुझे नजर आ रहे हैं, जरा इनकी ओपिनियन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हेलमेट अब जब आप पीछे किसी को बिठाएंगे वो भी हेलमेट पहनेगा, ऐसा कानून बनने जा रहा है, इसको कैसा देखते हैं? देखिए सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूरी तो था, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि पीछे अगर आदमी ने किसी को देखना भी है तो मुड़ के देख भी ना सके। अच्छा। इसके लिए परेशानी तो होगी। और पीछे वाला, पीछे जो आप बिठाएंगे आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपके बाबा भी हो सकते हैं, वो भी हेलमेट पहनेंगे? अब गवर्नमेंट ने जो कहा है उस हिसाब से तो फिर पहनना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गई।
कैसी मुश्किल, ये हिफाजत है ना, आपकी जान की हिफाजत है। हाँ जी, वो ये बात सही है कि जान की हिफाजत जरूरी है, लेकिन अगर वो पीछे बैठे हैं उनको भी पता नहीं चलेगा, अक्सर उनके दुपट्टा उनका बाया वगैरह वो भी व्हील में फंस जाता है, तो बिल्कुल किसी को अभी तो आने जाने वाला कोई बता सकता है कि आपका बाया जो है ना वो इधर, आवाज भी नहीं आएगी, आवाज भी नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पैदल चलने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप पैदल चल रहे हैं लाहौर में, पैदल चलने वालों के लिए कोई जो कानून बने हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो होते नहीं, फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल्स चल रही हैं, जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आपने सड़क क्रॉस करनी है तो उसके ऊपर गाड़ियां हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी तो ये अर्ज करनी है आपसे कि एक तो ये पाबंदी नहीं करते, क्योंकि देखें ना अब ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, ये बाइक आपके सामने देखें, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ये गाड़ियां खड़ी हैं, और ये माल रोड से बात कर रहा हूँ मैं, माल रोड पे स्टेप बहुत सख्त कानून है, हेलमेट के बगैर कोई नहीं जा सकता, लेकिन देखें यहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके सामने मौजूद है, ठीक है। पहले तो ये चाहिए गाड़ी वालों को, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इससे पीछे खड़े हों, बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, या जो भी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये माल लोड हो गया, डिफेंस हो गया, जो खास जगह है वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग वाजे तौर पर है, जैसे यहाँ पर है, लेकिन बेशतर जो आम रोड है वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है ज़रूर, लेकिन वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, सबसे पहले उसको वाजे तौर पर वाजे करें उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में अभी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, अगर हम देखते हैं कि इस तरह का फुटपाथ है जो कि एक मारूफ शाहरा के ऊपर है, तो वहाँ पर आप मोटरसाइकिल सवारों को देखते हैं, अगर तो किसी बाजार में फुटपाथ है तो उसके ऊपर तजावजात देखते हैं, अगर किसी कॉलोनी के अंदर फुटपाथ है तो वहाँ पर आप कैबिन्स देखते हैं जो कि लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए घरों को घरों के गिराज को आगे कर लेते हैं, वो भी तजावजात के ज़ुमरे में आता है। तो ट्रैफिक के हवाले से ये सूरत हाल है अभी तक जो हम आपको बयान कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।